बस्तर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया, जिसके बाद जगदलपुर के सराफा व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ था। एक माह पहले यानी कि 18 जुलाई को वृंदावन कॉलोनी के कुछ लोगों ने सराफा व्यापारी त्रिलोक चंद से 25 लाख रुपए की लूट की, 3 गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। आरोपी इस घटना को अंजाम देकर एक माह से फरार चल रहे थे, कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आरोपी आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाते हैं। बस्तर पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद उड़ीसा जिले के गंजाम से 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर के संजय बाजार के कोमल ज्वेलर्स के मालिक त्रिलोक चंद सिसोडिया अपनी दुकान बंद करके अपने निवास वृंदावन कॉलोनी जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोककर बैग में रखे सोने के जेवरात और 30,000 नकद लूटने की कोशिश की और व्यापारी को 3 गोली भी मार दी। हालांकि सराफा व्यापारी को गोलियां जरूर लगी, लेकिन वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने आरोपी की जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपियों के पास से 23 लाख रुपये का सोना और घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल भी बरामद की गई है। इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 17 जुलाई 2021 को जगदलपुर शहर में एक आर्म्ड रॉबरी की घटना हुई थी। इसमें एक सराफा व्यापारी के ऊपर फायरिंग करके उनकी ज्वेलरी को लूटकर ले जाने पर सरहदी जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके जिला स्तर पर टीम गठित करके आईजीपी महोदय के मार्गदर्शन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन टीम में न सिर्फ जिला पुलिस जगदलपुर के बल्कि अन्य रेंज के अन्य जिले के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो शामिल थे। इसमें गंजाम का एक गैंग का हाथ होने का पता चला और कल दबिश देकर गैंग के 4 सदस्य को सफलतापूर्वक गिरफ्त में लिया गया। उनकी निशानदेही पर लगभग 470 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आइटम्स और घटना में प्रयुक्त वेपन विद लाइव राउंड्स रिकवर किए गए। घटना में 3 बाइक में 6 आरोपी शामिल थे, उसमें से 2 बाइक और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल चुकी है। शेष 2 आरोपी और 1 बाइक की रिकवरी अभी बाकी है, उसके लिए भी टीम्स लगी हुई हैं, निकट भविष्य में उनको भी पकड़ा जाएगा। TCP 24 के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।